राहुल गांधी लगातार यात्रा में अपने रोजगार और भर्तियों के बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है युवाओं पे इसका कितना असर पड़ने वाला है 2024 के चुनाव को लेकर? बिल्कुल पड़ेगा जी। देखिए, शुरुआत करते हैं हम आसाम से। आसाम में जो सारा आज का युवा है यूनिवर्सिटीज में होता है। यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी का संबोधन था, असम सरकार ने उनका संबोधन कैंसिल करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो बाहर सड़क पे थे और सारे यूनिवर्सिटी के छात्र जो है निकल के बाहर सड़कों पे आ गए राहुल गांधी जी को सुनने। उन्हें पता है कि ये हमारे हक की बात करेंगे, ये कोई लालच देंगे नहीं, जो बात होगी जायज करेंगे। तो युवा तो उनके साथ जुड़ ही चुका है, युवा, किसान, नारी, श्रमिक और भागीदारी, ये आज पांच उनकी न्याय यात्रा चल रही है और पांचों पे उन्होंने फोकस कर रखा है। युवाओं के लिए भी 18 से 35 साल की उम्र का आज की डेट में हमारा 47% युवा बेरोजगार घूम रहा है। सरकारी आंकड़े हैं ये मैं घर बना के नहीं लाता, बस ये है कि मुझे थोड़े याद रह जाते हैं, लेकिन लोग नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, वो पढ़ेंगे, मेरी बात सुन के पढ़ेंगे। 47% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं 18 से 35 साल की उम्र के बीच, जो एक नौकरी की उम्र होती है उस चीज़ में। तो फिर श्रमिकों का वो बुरा हाल है, श्रमिकों का सारा काम उन्होंने ठेकेदारी पर डाल दिया, हर चीज़ को ठेकेदारी ठेकेदारी ठेकेदारी। रेलवे की वैकेंसी निकलती थी, ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी निकली थी, स्वीपर की, माली की, सफाई कर्मचारियों की, गैंगमैन की, पटरी जो ठीक करते थे, आज आपको कहीं नहीं दिखेंगे। सारा काम उन्होंने ऑनलाइन सोर्स पर कर दिया है, अब उनकी कोई जिम्मेदारी, अगर वो आते हुए रेल से बाय द वे दुर्घटना हो जाएगी और कट जाएंगे तो उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। पहले उनकी पक्की सरकारी नौकरी होती थी, कम से कम उन्हें मुआवजा मिलता था, उनके परिजनों को नौकरी मिलती थी साथ में रेलवे में, आश्रितों को, अगर पढ़ा लिखा है तो उस हिसाब से, अगर नहीं पढ़ा लिखा तो उसी हिसाब से फोर्थ क्लास की नौकरी मिलती थी। वो चीज़ इन्होंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी जिसको कहता था वो इन्होंने खत्म कर दी, तो हर चीज़ को तो लगातार खत्म करते जा रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी सरकारी यूनिट को सबको प्राइवेट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर अदानी जी को बेच देंगे। बिल्कुल बेच ही रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, थोड़े दिन में हमारे पास दिखना शुरू हो जाएगा। भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटर अडानी, जल्दी दिन आ जाएगा ये, अगर यही हाल रहे तो कोई दूर नहीं है ये। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया है कि मोदी जी किसानों के साथ न्याय नहीं राजनीति करते हैं, क्यों ये राजनीति का नाम दिया? राजनीति करने की तो बात आई, तो खाली उनके लिए किसान नहीं, किसान, नौजवान और जवान, महिलाएं, छात्र, हर कोई उनकी राजनीति का मोहरा बना हुआ है इस टाइम। हर किसी के साथ वो राजनीति करने मिले हैं, सिर्फ अपना फेस चमकाने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। वो उसको तो छोड़ो, वो अपनी पार्टी में राजनीति करते हैं। इतनी सारी वंदे भारत चलाई, इतनी सारी ट्रेनों का उद्घाटन हुआ, अश्नवी वैष्णव नाम के हमारे रेल मंत्री हैं, आज तक वो किसी एक वंदे भारत को झंडी नहीं दिखा पाए। मोदी जी ने राजनीति करके उनसे ये अधिकार भी छीन लिया, भैया रेल मंत्री तुम नहीं हो, रेल मंत्री भी मैं ही हूँ, झंडी दिखाऊंगा तो मैं ही दिखाऊंगा। वो अपने आगे किसी को चलने ही नहीं देते, करते रहते हैं वो लगातार हर चीज में। तो वो तो दूसरों के साथ तो राजनीति करेंगे करेंगे, छात्रों के साथ तो उन्होंने हालत खराब कर रखी है छात्रों को। अभी उन्होंने आज अखबार में मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने 1,00,000 नियुक्ति पत्र देने का कल मेला लगा रहे हैं वो, कि 1,00,000 लोगों को वर्चुअली रूप से 47 जगह पे आयोजन होगा और उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो ये 1,00,000 नौकरी कौन सी है, क्या उन्होंने कोई नई जनरेट करी? नहीं, ये वही पुरानी 2-3 साल से जो चलती आ रही वैकेंसी थी, जिनमें लोगों ने, बच्चों ने फॉर्म भरे थे अपने, जो वो क्लियर करके और अपना नियुक्ति पत्र पाने के हकदार हुए, उनको मोदी जी नियुक्ति दे रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता था वो उन्हें नियुक्ति पत्र दे देता था और पता भी नहीं चलता था कि कितने हमारे भर्ती हो गए कितने। असल में नियुक्ति पत्र तो आप तब देते ना जब आपने सत्ता में आने से पहले कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा। प्रतिवर्ष का मतलब अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 18 करोड़ रोजगार अब तक सृजित हो जाने चाहिए थे। 18 करोड़ छोड़ो, 1.8 करोड़ भी नहीं हुए, उसका 10% भी नहीं हुए, 18 लाख तक भी नौकरियां नहीं दे पाए। अब भी आप 9 साल के बाद 1,00,000 वैकेंसीज का नियुक्ति पत्र मेला लगा रहे हैं, और वो भी उनका जो ऑलरेडी SSC क्लियर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी UPSC क्लियर कर चुके हैं, या ऑलरेडी जो PCS वो क्लियर कर चुके हैं। तो क्या कर कह रहे हैं फिर, वो हवाबाजी कर रहे हैं, अखबार में पूरे पेज का विज्ञापन छाप दिया, लोगों को उनके उनके जो समर्थक हैं उनके दिमाग में तो बैठ जाएगा, अरे वाह वाह मोदी जी तो बड़ी नौकरी दे रहे हैं। आप ये तो देखो कि नौकरी दे रहे हो या वास्तव में ले रहे हो तुम नौकरी। आप बार बार कहते हो मैंने गरीबी खत्म कर दी, मैंने गरीबी खत्म कर दी, गरीबी खत्म कर दी, 25 करोड़ लोगों को अपने गरीबी रेखा से ऊपर उधार लिया। तो ये 80.5 करोड़ जो है ये कहाँ है? ये 81.5 करोड़ जिन्हें आप 5-5 किलो का राशन देके पाल रहे हो, ये कौन लोग हैं? ये गरीब नहीं है? क्यों देना पड़ रहा है अगर आपने गरीबी ही खत्म कर दी तो? तो सीधी सी बात है, झूठी पार्टी, बेहद झूठी पार्टी, और इसका पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है, कुछ नहीं है, हवाबाजी इन्होंने जबरदस्त अपना डंका चार रहे, ढोल पीट रखा है, मैं महान, मैं महान, मैं महान, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, बस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था किसान को कि उनकी आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, पर वो वादा तो पूरा हुआ नहीं, और आज ये दिन आ गए कि उनको MSP तक के लिए तरसा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तरसा रहे हैं। 2 साल पहले उन्होंने किसान कानून वापस लेने की बात करी थी कि मैं भरे मन से इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम किसानों को नहीं समझा पाए। उसके बाद में काले कानून जो है वापस लेता हूं, लेकिन वो वापस नहीं लिए गए थे, उन्होंने होल्ड पे डाल दिए थे ना, उन्हें पूरी तरह खत्म करा और उसमें कहा था कि MSP की मांगों पर आपका विचार करा जाएगा और उस पर विचार करने के बाद मैं इस पर डिसीजन लूंगा।
टाइम बीतता चला गया, ना कोई डिसीजन नहीं लिया, कुछ लिया। अब फिर से वही किसान जब धरने पे आ रहे हैं तो फिर से वही उन्होंने पुराना कहानी रिपीट कर दी है। हाँ। शंभू बॉर्डर है वो पूरी तरह सील कर दिया जो पंजाब से हरियाणा को जोड़ता है। हाँ। अंबाला से आगे, उसके बाद हरियाणा से और दिल्ली को जोड़ने वाला ये सोनीपत बॉर्डर जो है अपना। हाँ। ये पूरा सील कर दिया है, उसमें वही पुराने किले बिछा दिए, बैरिकेड बिछा दिए, कंक्रीट डाल दिया गया, टीकरी बॉर्डर वो सील कर दिया गया, गाजीपुर बॉर्डर उस पर बैरिकेडिंग लगातार जारी है कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली ना आ जाए। एक तरफ तो वो ढोंग करते हैं। हाँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, बेहद दोगली पार्टी, बेहद झूठी पार्टी। अच्छा। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बेहद झूठी पार्टी। हाँ। एक तरफ आप किसानों के मसीहा उन्हें कहा जाता है चौधरी चरण सिंह को, उनको आप भारत रत्न दे रहे हो, MS स्वामीनाथन जी उनको भारत रत्न से आप सम्मानित कर रहे हो, लेकिन उन दोनों को आपने असली जामा पहनाया, उन दोनों ने कहा क्या था? हाँ। स्वामीनाथन जी ने जो सिफारिश करी थी वो आज तक आपने लागू नहीं करी, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए जो आवाज उठाई थी वो आज तक आपने लागू नहीं करी। आपने कम्युनिटी को तो दिखा दिया है, देखो हमने आपके लीडर्स को तो दे दिया है। हाँ। अब आप इसी में खुश हो जाओ, लेकिन आप जहाँ थे वहीं रहोगे। हाँ। आपकी हालत में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मैंने आपके चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दे दिया, स्वामीनाथन जी को भी दे दिया, लेकिन असली भारत रत्न तो तब होता जब स्वामीनाथन जी की रिपोर्टें आप अप्लाई करते, जब आप उनकी जो सिफारिशें थे उन्हें लागू करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो इसी बात से पता चलता है, जिसे कहा जाता है BJP बेहद झूठी पार्टी। हाँ। सीधी सी बात है। हाँ। बस क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 10 वर्षों में मोदी जी ने किसान को सिर्फ ठगा है, और अभी भी जैसे सुनने में आ रहा है कि किसान फिर आंदोलन पे उतर रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी जी का है बयान नहीं है, तमाम किसान समुदाय मानता है कि जो ये 10 साल तक जो झूठ की खेती करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है, उसने सिर्फ और सिर्फ 10 साल में किसानों का शोषण किया है, और किसानों का शोषण कैसे किया है, उनकी भावनाओं के साथ किया। जब वो आंदोलन पे बैठे थे तो उनको इस आश्वासन देकर भेजा था कि हम MSP लागू कर देंगे, लेकिन उसके बाद एक बार भी सदन के अंदर चर्चा नहीं हुआ MSP के ऊपर। आज आपको पता होगा गेहूं के दाम में प्रति क्विंटल 200 रुपए अपना नुकसान भुगतने को तैयार है किसान, धान के उसपे प्रति क्विंटल 650 रुपए नुकसान झेलने को तैयार है। आपको पता होगा वही किसान आज 2014 के बाद 7% कर्ज उनके ऊपर बैठ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी क्या कर रहे हैं, 7.5 लाख करोड़ कर्ज अगर किसी का माफ कर रहे हैं तो वो उद्योगपतियों का कर रहे हैं, पूंजीपतियों का कर रहे हैं। किसानों की एक नहीं सुनी जा रही, किसानों की क्या सुनी जा रही है पता है आपको? आंदोलन करने के अधिकार से रोका जा रहा है किसानों को, पता है उनकी क्या सुनी जा रही है? किसानों के जो उनके नेता है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, किसानों को जो युवा है उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे हैं, किसानों की जो ट्रॉलियां हैं उनको सील किया जा रहा है, और किसानों को कील जो देश को सींचने का काम करता है, धरती को सींचने का काम करता है, तमाम युवाओं और रोजगार को सींचने का काम करता है, उस किसानों को आज अपने ही देश में इस तरह से आंदोलन करने का अधिकार नहीं है कि उन्हें कील बिछा दी जाती है, बुलडोजर बिछा दिया जाता है, क्रेन बिछा दिया जाता है, नदी के रास्ते रोक दिए जाते हैं जिससे उनकी आवाज सदन तक ना जा पाए, और उनकी आवाज देश के जो तमाम जो मजबूर लोग हैं उन तक ना पहुंच पाए, जिससे कि कहीं ना कहीं इस तानाशाही सरकार को चुनाव में खतरे की घंटी ना हो जाए। लेकिन उनका बस उनका यूज पता है, उनका यूज कहाँ होता है? हम तमाम किसान के जो लोग हैं, जो किसान समुदाय के लोग, वो स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं से खेलने के लिए उन स्वामीनाथन को आनंद फानन में भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा था भारत रत्न दे दो। चौधरी चरण सिंह की हम बात करते हैं, उनके दुर्गामी सोच की बात करते हैं, लेकिन उनकी दुर्गामी सोच पे काम नहीं करेंगे, किसान को सशक्त नहीं करेंगे, लेकिन उनको भारत रत्न देकर तमाम किसान समुदाय की भावनाओं के साथ खेलने का काम करेंगे। मैं तो उन चौधरी से भी पूछना चाहता हूं जो अपने आप को किसान का मसीहा मानते हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, आप अपने दादा के जो विजन है उन पे आप कायम हो? आप अपने दादा को भी आप किसी दूसरे तानाशाही सरकार के अंदर देखते हो तो इससे बड़ा अपमान चौधरी चरण सिंह के लिए नहीं हो सकता है। ये जाट का अपमान है, ये किसान समुदाय का अपमान है। मैं जन चौधरी से कहना चाहता हूँ, जब आप अपने बाप के नहीं हुए, जब अपने आप दादा के नहीं हुए, जब आप अपने इन तमाम समुदाय के नहीं हुए, तो आप किसी जाट के भी नहीं हो सकते, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत जताई थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था? चौधराहट खत्म कर देंगे, चौधराहट खत्म कर देंगे। मतलब उन्होंने कर्ज सजा था चौधरी चरण सिंह पे, उनके किसान समुदाय के लोगों पे, आज सही में चौधराहट खत्म कर दिया है इनका।